हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव इंटरटेन यूट्यूब चैनल। लव इंटरटेन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशल टिप्स टू बूस्ट योर लव। जी दोस्तों, आप अपने प्यार को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, बूस्ट योर लव आज के इस वीडियो में कुछ स्पेशल टिप्स बताएंगे, तीन ऐसे स्पेशल टिप्स बताएंगे जिनसे आप अपने प्यार को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो का बनाने का इंटेंशन है हमारा हाउ टू बूस्ट योर लव, अपने प्यार को कैसे बढ़ाया जाए, प्यार को और ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। आप जैसे आपका रिश्ता चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है, तो आप अपने मतलब रिलेशन में और ज़्यादा प्यार कैसे बढ़ाएं, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में कुछ तीन ऐसी स्पेशल टिप्स बताएंगे जिनसे आप अपने प्यार को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। पहला जो टिप्स है वो ये है, स्पेंड लिटिल बट क्वालिटी टाइम। जी दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे टाइम के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपको स्पेंड करना है, यहाँ पे दो वर्ड हाईलाइट किए गए हैं, पहला जो लिटिल है, दूसरा जो है क्वालिटी। तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि आपको दिन में 12 घंटे, जी दोस्तों 12 घंटे होते हैं, तो आप अपने पार्टनर के लिए समय निकालेंगे 2 घंटे। टाइम लिटिल वाला होना चाहिए, ये लिटिल और लिटिल वाला टाइम हो, 12 घंटे में से आपको 2 घंटे निकालने हैं लिटिल वाला, वो भी आपको क्वालिटी वाला टाइम होना चाहिए, वो भी बिल्कुल जेन्युइन क्वालिटी वाला टाइम होगा। पार्टनर आपका ये ना सोचे आप हर समय बिजी रहते हैं, आपको बिजी रह मतलब पार्टनर ये ना समझे बिजी रहते हैं आप टाइम निकालेंगे, वर्क कोई भी करते हैं आपको समय मतलब करते रहना है कोई भी काम, लेकिन समय जो है आपको 2 घंटे निकालना है अपने पार्टनर के लिए। तो पार्टनर आपका ये नहीं सोचेगा आप मतलब हर समय बिजी रहते हैं, आप हमारे लिए टाइम ही नहीं निकालते हो, तो आपका पार्टनर ये नहीं सोचेगा और इससे ज़्यादा आपका प्यार बढ़ता भी रहेगा। और मतलब आप इस तरह से जेन्युइन टाइम निकालेंगे तो आपका प्यार बढ़ता रहेगा। दोस्तों, तो ये टिप्स आपको बिल्कुल तरह पूरी तरह से फॉलो करनी, स्पेंड लिटिल बट क्वालिटी वाला टाइम निकालिए और पूरी तरह से आपका प्यार बढ़ता रहेगा। दोस्तों, दूसरी टिप्स की बात करते हैं, वो ये है कि आउट ऑफ बॉक्स कन्वर्सेशन। जी दोस्तों, आपको बात करते समय कन्वर्सेशन करने समय आप अपने पार्टनर से बात करते हैं तो आपको आउट ऑफ वर्क्स इधर उधर की बात भी करनी है, और ये बहुत सारे लोग भी करते हैं। जैसे कि आपको प्यार भरी बातें तो करनी है, ये होती ही रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको आउट ऑफ वर्क्स इधर उधर की बात, जैसे अपने परिवार से रिलेटेड या अपने दोस्तों से रिलेटेड, ये आपके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो घटित होता रहता होगा, आपके साथ नहीं दोस्तों के साथ, आपके दोस्त है उसकी गर्लफ्रेंड है या उसने कुछ ऐसा कर लिया है, या आपके परिवार में वो ऐसा कुछ वो करने जा रहा है, या वो कुछ ऐसी पढ़ाई कर, या किसी मूवी की बात कर सकते हैं जो आपने देखी हो और आपको अच्छा लगा हो। तो इस तरह की कन्वर्सेशन आप करेंगे अपने पार्टनर से तो आपका प्यार और ज़्यादा मजबूत होगा, और आपकी दुनिया भर की जानकारी होगी आपके पार्टनर, और आप बात बात में आपको पूरी तरह से आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से अनुभव करेगा और आपको आपका प्यार बढ़ता रहेगा। दोस्तों, तो आपको कन्वर्सेशन जो है करना है आउट ऑफ वर्क्स, पूरी तरह से इधर उधर की बात भी करनी है आपको प्यार के साथ। ऐसा नहीं कि आप प्यार भरी बातें करते रहो और उसमें आपका पार्टनर उबता चला जाए, एक दिन आपका रिश्ता भी खत्म होता चला जाए, तो ऐसा नहीं करना आपको। पूरी तरह से आप इधर उधर की बात भी कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ बात करते समय, जो जेन्युइन टाइम आप अपने पार्टनर के लिए करेंगे उसमें आपको हर तरह की बात करनी है। तो दूसरा टिप्स बहुत ही अच्छा था, इसको आप फॉलो करिएगा। दोस्तों, तीसरी टिप्स की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिप है, यहाँ पे क्या है, स्टेबल ऑन हैप्पी ट्यून। जी दोस्तों, आपको अपने आप को ऐसा स्टेबल करना है, हैप्पी ट्यून में कन्वर्ट करना है, हैप्पी ट्यून में स्टेबल करना है। आपको ये दिखाना है कि आप हर समय खुश रहते हैं, आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है किसी से, आपके पार्टनर से या किसी से आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप हर समय हैप्पी ट्यून में रहते हैं, खुश मिजाज बनकर रहते हैं आप, तो इससे बहुत सारे आपको फायदे होंगे। जैसे कि आपका पार्टनर हर समय फ़ोन करता है और किसी समय आपके पार्टनर का फ़ोन नहीं आया है, तो आप अपने पार्टनर से फ़ोन आया है तो आप हैप्पी ट्यून में बात करेंगे, गुस्सा आपको है, फ़ोन नहीं आया उसका आपको गुस्सा है, लेकिन आपको तब भी हैप्पी ट्यून में बात करनी है, हैप्पीनेस में बात करनी है। जैसे पूछ सकते हैं, कहाँ थे यार आप, तो आप मुझको याद ही नहीं करते हो, मतलब भूल ही जाते हो पूरी तरह से, तो इस तरह से आप हैप्पी ट्यून में बात करेंगे तो आपका पार्टनर आपसे कभी भी बुरा नहीं मानेगा और सारी जो भी प्रॉब्लम्स रही होगी वो आपको बता देगा सारी बातें। तो आप हर समय
मतलब हैप्पी ट्यून में बात करते रहेंगे तो आपका प्यार बढ़ता रहेगा। इसके आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे हैप्पी ट्यून के। जो है पहला जो है क्लैरिटी आप में रहेगी, आपके पार्टनर और आप में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, बिल्कुल मतलब वाइट वाइट रहेगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा दोस्तों। दूसरा जो है आप हैप्पी ट्यून में रहेंगे तो आपकी पॉजिटिवनेस बढ़ेगी, पॉजिटिवनेस बढ़ती रहेगी बहुत ही ज़्यादा। और तीसरा जो फायदा है बहुत ही ज़्यादा है, इससे बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप टूट जाते हैं, नो आर्गूमेंट्स। जी दोस्तों, बहुत सारे लोगों में आर्गूमेंट्स होता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और उनका ब्रेकअप हो जाता है। और ये हैप्पी ट्यून आप बनाए रखेंगे तो आपका आपके पार्टनर के साथ कभी भी आर्गूमेंट्स नहीं होगा, आपके पार्टनर के साथ तो आर्गूमेंट्स नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो प्यार और ज़्यादा स्टेबल होता रहेगा, बढ़ता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आप हैप्पी ट्यून बना के रखिएगा, आप अपने आप में ये स्टेबल करिएगा, इसको आप अप्लाई करिएगा तो दोस्तों इसका बहुत सारा फायदा मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं एक बार। यहाँ पे क्या है, पहला जो टिप्स था स्पेंड लिटिल बट क्वालिटी टाइम, आपको टाइम जो है स्पेंड करना है वो है कि लिटिल और वाला टाइम हो, वो भी क्वालिटी वाला टाइम होना चाहिए दोस्तों। और दूसरी टिप्स थी आउट ऑफ बॉक्स कन्वर्सेशन। जी दोस्तों, आपको बात करते समय अपने पार्टनर से कन्वर्सेशन करते समय आउट ऑफ बॉक्स अपने परिवार दोस्तों से रिलेटेड बातें करनी है दोस्तों। और तीसरी टिप्स थी वो ये है कि स्टेबल ऑन हैप्पी ट्यून, हैप्पी ट्यून को आप स्टेबल करके रखिए, अपने आप को हैप्पीनेस करके रखिए, जिससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे, क्लैरिटी पॉजिटिवनेस आएगी, नो आर्गूमेंट होंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ये तीनों टिप्स आप अप्लाई करिए अपने आप में, इसका बहुत सारा फायदा मिलेगा आपको। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। दोस्तों एंड में अभी तक आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी पता लग सके इसके फायदे क्या क्या हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। यदि आपकी कोई भी लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी क्वेरीज वगैरह हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी लव लाइफ प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। और एंड में अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे हमारी इसमें इस पर भी आपको बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी अच्छी अच्छी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।